गुड मॉर्निंग बच्चों, टुडेज आवर टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ सेमी कंडक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी सॉलिड मटेरियल्स आर कैटेगराइज इनटू थ्री पार्ट। द फर्स्ट वन इज कंडक्टर, द सेकेंड इज सेमी कंडक्टर एंड द लास्ट वन इज इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर का नाम हम सबने सुना है, हम सबको पता है क्या होता है। कंडक्टर्स नाम से ही लग रहा है, कंडक्टर्स जिसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, जिसमें करंट बहुत ईजिली फ्लो हो जाती है, दीज आर कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स जस्ट ऑपोजिट, जिसमें कंडक्टिविटी पॉसिबल नहीं होती है, कितने हाई वोल्टेज पे भी इनमें कंडक्शन पॉसिबल नहीं होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री चार्ज करंट नहीं पाए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज इंसुलेटर। इसके बाद एक थर्ड कैटेगरी आती है, दिस इज सेमी कंडक्टर, जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर्स नाम से ही लग रहा है, सेमी मीन्स पार्शियल। जो सेमी मीन्स क्या होता है, आधा, आधा मीन्स पार्शियल। पार्शियल क्या, जो कि ना कंडक्टर है ना इंसुलेटर। इट मे ऑल्सो बिहेव लाइक अ कंडक्टर, इट मे ऑल्सो बिहेव लाइक अ इंसुलेटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर। दैट मीन्स इट इज अ पार्शियल कंडक्टर और इट इज अ पार्शियल इंसुलेटर। डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, डिपेंड्स ऑन द एनर्जी कि हम सब कितनी एनर्जी सप्लाई करते हैं। ठीक है, सेमी कंडक्टर्स के बारे में कि होता क्या एक्चुअली, इसके सबसे पहले इसकी इसके यूजेस देखते कि ये अगर पार्शियल कंडक्टर है, दैट मीन्स ये कंडक्टर से पुअर है, राइट। तो व्हाई वी आर यूजिंग सेमी कंडक्टर्स, जब हमारे पास कंडक्टर्स ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम सेमी कंडक्टर्स के लिए क्यों पीछे भाग रहे हैं, सेमी कंडक्टर्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों सेमी कंडक्टर्स इतना यूजफुल है। तो सबसे पहले तो ये कि सेमी कंडक्टर यूज कहाँ हो रहा है, आज की डेट पे जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं हमारे आसपास वो सारी की सारी सेमी कंडक्टर से बनती है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, लैपटॉप्स अगर आपने कभी खोल के देखे होंगे तो उसके अंदर छोटे छोटे से ऐसे टॉफी के शेप्स के कुछ ऐसे कैप्सूल जैसे चिप्स लगी होती हैं, जिसमें ऐसे इस टाइप से छोटा सा कुछ होता है, बस में इस टाइप से डायोड और ट्रायोड जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टॉफी के शेप के लगे होते हैं, तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने होते हैं। ठीक है, जितने भी आजकल एलईडीज बन रही हैं और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उन सब में सेमीकंडक्टर्स का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, इसलिए सेमीकंडक्टर को हम बहुत यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर हम सेमीकंडक्टर क्यों यूज कर रहे हैं, अगर ये पार्शियल कंडक्टर है तो इट्स बेटर कि वी हैव टू यूज कंडक्टर्स, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स क्यों यूज कर रहे हैं। तो कंडक्टर्स जो होता है बच्चों, उसमें हम कंडक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, जबकि सेमीकंडक्टर में हम कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। जब कोई चीज हमारे हाथ में नहीं होती है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली वो बेटर नहीं है हमारे लिए। जबकि सेमीकंडक्टर्स में हम अपने हिसाब से कंडक्टिविटी कम या ज्यादा कर सकते हैं, कंट्रोलेबल है, इसलिए सेमीकंडक्टर्स ज्यादा यूजफुल है एज कंपेयर टू कंडक्टर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि जब सेमीकंडक्टर तो 1920-30 के आसपास आए, 1930 के आसपास इसको डिस्कवर किया गया, इस पर काम शुरू किया है और आज की डेट में ये बहुत यूजफुल हो गए। तो इसके पहले क्या हम कंडक्टर्स यूज करते थे? नहीं, जब सेमीकंडक्टर्स हमारे पास नहीं थे तो उसके पहले हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब सबने नाम पढ़ा होगा, जो पहले की पुरानी टीवीज होते थे, बड़ी बड़ी टीवीज होते, उसमें देखा था वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुआ करती थी, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब जो है बच्चों, उसमें क्या वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है, वैक्यूम क्रिएट करने के बाद उसमें हाई इनपुट वोल्टेज देना पड़ता है, तब जाकर उसमें कंडक्शन जो होता है पॉसिबल होता है। तो साइज बहुत बड़ा होता है, इनपुट वोल्टेज की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है और ये बहुत बहुत इजीली इसमें कंडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, साइज बड़ा होने की वजह से भी बहुत डिफिकल्ट था, जबकि सेमीकंडक्टर्स की इतनी छोटी छोटी चिप्स के फॉर्म में हम उसे यूज कर लेते हैं। इस वजह से जो आपका वैक्यूम ट्यूब से जो हम पहले यूज करते थे सेमीकंडक्टर्स की जगह, उसकी जगह किसने ले ली, आपकी सेमीकंडक्टर्स ने ले ली। क्यों? क्योंकि बहुत यूजफुल है, स्पेस कम लेता है, इनपुट वोल्टेज कम लेता है, ऊपर से हम इसकी जो कंडक्शन है वो कंट्रोलेबल है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इस वजह से हम सेमीकंडक्टर को बहुत यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेमीकंडक्टर की हिस्ट्री और उसका इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स क्या होता है और कैसे वर्क करता है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।